दोस्तों स्वागत है आपका योगेश वी लर्निंग चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएससी 2016 के क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डेट दी गई है 12 दिसंबर 2017। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 12 दिसंबर 2017। एग्जामिनेशन था एसआई सिविल पुलिस। यूपीएससी 2016 की नोटिफिकेशन थी, उसके अंडर ये एग्ज़ाम हुआ था। चलिए आज हम इसके क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हो आप, जनरल हिंदी, हिंदी के 40 क्वेश्चन हैं, यहाँ पर 40 क्वेश्चन दिए गए हैं। जनरल हिंदी आती है यूपीएससी में। तो क्वेश्चन नंबर 1, कागा चला हंस की चाल ब्लैंक, यह लोकोक्ति पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प चुनिए। यह लोकोक्ति पूर्ण करनी है हमको, कागा चला हंस की चाल। इसमें आपको देखो आंसर जो ग्रीन में दिया हुआ है ये इसका सही आंसर है। चार ऑप्शन दिए होंगे इसी तरीके से, तो सही आंसर टिक करना है। तो कागा चला हंस की चाल इसको पूर्ण करेंगे, हंस रहा ना कागा, यह आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, केस स्टडी दिया हुआ है, 2 से 4 क्वेश्चन इसी में अटैम्प्ट होंगे। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश दिया हुआ है, इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन, 2, 3, 4 क्वेश्चन इसी गद्यांश से पढ़ के हमको आंसर करने हैं। देखिए क्या है गद्यांश, ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति सत्य शिव सुंदरम के स्वर्णिम सिद्धांत को अपना ध्येय मानकर विश्व में सदैव अहिंसा सहित शांति और विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रचार करती रही है। भारतीय संस्कृति का विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने तथा उसके सफल रहने का रहस्य उसकी अपनी विशेषताएं हैं, जिनमें प्रमुख है भारतीय प्राचीनता, पृथकता, निरंतरता। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं आप, प्रस्तुत गद्यांश का में वर्णित क्या है, किस चीज़ के बारे में बताया गया है, भारतीय संस्कृति की विशेषता। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन जो इसका राइट आंसर है भारतीय संस्कृति की विशेषता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तुत गद्य में कौन सा शब्द विषम का विलोम शब्द है। विषम शब्द एक उसमें दिया गया था गद्यांश में, विषम शब्द उसका हमको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो उसका जो आंसर होगा सम, विषम का आंसर होगा सम, विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 4 है, सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है। सदैव, इसका संधि विच्छेद करना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पे सदैव का संधि विच्छेद होगा सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दिए गए विकल्प में बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा शब्द है। बिल्ली शब्द का बहुवचन बताना है। तो बिल्ली शब्द का देखो, बिल्ला, बिल्लियाँ, बिल्लियाँ, बिल्ले, तो बिल्लियाँ होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रस्तुत काल कौन सा है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बशर्ते आपने थोड़ी मेहनत की हो, तो आप बहुत ही आसानी से इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। हिंदी के 40 क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। इसमें काल बताना है, तुम बैठो मैं अभी आया, तो इसमें काल होगा भूतकाल नहीं है, मतलब भूतकाल पास्ट की होगी, भविष्य आने वाला काल, साम्य भूतकाल, वर्तमान काल। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, वर्तमान काल, तुम अभी बैठो मैं अभी आया, यानी कि प्रेजेंट की बात चल रही है। तो इसका आंसर कौन सा राइट होगा, डी, वर्तमान काल। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, बूंद हाथ सही गिरी खे कैसे, खल सीढ़ी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो यहाँ पे जो आंसर राइट है वो दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार एक बार देख लीजिए क्या होता है क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर जो है इसका दृष्टांत अलंकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं, धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है। देखिए यहाँ पर विशेषण बताना है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, तो यहाँ पर विशेषण क्या होगा, विशेषण होगा हमारा पीले फूल, पीला रंग, जो यहाँ पे रंग बताया पीला, वो क्या है हमारा विशेषण। किसी भी वाक्य की शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण बोला जाता है। तो पीला यहाँ पे क्या है, फूल की विशेषता बता रहा है, पीला रंग, फूल कैसा है, पीला। क्वेश्चन नेक्स्ट 10, श्री कृष्ण की भक्ति ही ब्लैंक है, अब अन्य सब ब्लैंक। तो यहाँ पे ब्लैंक इन दोनों में हमको फिलअप करना है, दिए विकल्पों में सही चयन रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे जो आएगा, श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, मानव आदिकाल से ही
ब्लैंक के ब्लैंक पर चला आ रहा है, ब्लैंक ब्लैंक फिल करने हैं पर हमको, मानवादि काल से ही प्रगति के पथ पर चला आ रहा है। ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है, असंगत बताना। देखिए गुरु लघु, गुप्त प्रगट, कुटिल सरल, ये एक दूसरे के संगत हैं। तो हमारा दोस्त और सखा, दोस्त और सखा सेम होता है, दोस्त भी उसी को बोलते हैं जो मित्र, सखा दोस्त ये सब एक हैं, बाकी अभी तीनों क्या हैं, एक दूसरे के विलोम हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा डी। यामा कृति के लिए पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, निम्नलिखित वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई। देखिए ये वाक्य दिया हुआ है, इसमें हमको क्या गलत है ये बताना है, इसमें गलती कहाँ पर है। हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। हर युग से जनता, हर युग से, हर युग से जनता मतलब प्रत्येक युग से देखती आई है, ऐसा नहीं है जनता राम राज्य के, ये ठीक है, हर युग से गलत है। हर युग से जनता राम राज्य के सपने देखती आई है, ये इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए विकल्पों में सुधाकर किस शब्द का समानार्थी है। सुधाकर बोलते हैं चांद के लिए, तो आंसर एक सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में दिए गए विकल्पों में भुजंग शब्द का समानार्थी, भुजंग शब्द का समानार्थी क्या होता है, भुजंग मतलब नाग सांप, इसको बोला जाता है भुजंग। क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट 17, जिसके पास कुछ ना हो वह क्या कहलाता है, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन बोला जाता है। क्वेश्चन का आंसर सी राइट है, सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट 18, शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है। दांत शब्द, देखो पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, वेलिंग, स्त्रीलिंग, ये सभी आप जानते हैं क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो दांत होता है ये हमारा क्या है, पुल्लिंग को शो करता है, पुल्लिंग को दर्शाता है। क्वेश्चन 19, दिए गए विकल्पों में विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। विभावना अलंकार, विभावना अलंकार देखिए कौन सा है, बिन पद चले सुने बिन काना। विभावना अलंकार किसमें, बिन पद चले सुने बिन काना, उसको क्या बोला जाएगा, इस तरीके की पंक्तियाँ जो होंगी उसमें विभावना अलंकार होगा, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट 20, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला क्या है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था पीले फूल वाला, वहाँ पीला क्या था, विशेषण, तो यहाँ पे भी क्या है, मटमैला रंग से रंगवाया है, ये रंग विशेषता बता रहा है, तो मटमैला क्या है यहाँ पे, विशेषण। ध्यान दीजिए नदी का समानार्थी नहीं है, तो नहीं बताना है, तटनी है, सरिता है, निर्झरणी है, बारी नहीं है, बारी क्या है इसका समानार्थी नहीं है। क्वेश्चन 22, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की, ब्लैंक भरने यहाँ पे, तो क्या होगा, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। देखिए त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है इसमें, किया, सम्मान, भारत, तीनों ठीक हैं। स्त्रियों, स्त्रियों कैसे लिखते हैं, भारत में स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों गलत है यहाँ पे, स्त्रियों यहाँ पे गलत है, ये शब्द गलत लिखा हुआ है, इसको सही करना है तो यहाँ पे यही बताना है कौन सा शब्द गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, उल्टी माला फेरने, उल्टी माला फेरना, दिए विकल्प में कौन से मुहावरे का अर्थ सही है। उल्टी माला फेरने का अर्थ होता है किसी का बुरा सोचना, किसी का बुरा सोचना। नेक्स्ट 25, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है। देखिए हस्ताक्षर चाहिए बहुवचन है, नित्य एक वचन, एक वचन नित्य बहुवचन, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नित्य एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अमीर खुसरो गज़ल गाते थे, खालिक वारी पहेलियाँ ये सब के लिए प्रसिद्ध थे, वो गीत नहीं गाते थे, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 27, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राधा घर नहीं है, मैं, आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य, सी, सी ऑप्शन इज राइट, ये वाक्य बिल्कुल करेक्ट है, राम पाठशाला बैठा है, ऐसा नहीं होता, तो बाकी तीन वाक्य गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा। उनतीस क्वेश्चन, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तभ उसी के हृदय समान, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है। तो यहाँ पे अलंकार बताना है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो प्रतीप अलंकार है इस पंक्ति में। क्वेश्चन नंबर 30,
पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप, देखिए ए बी सी डी सी डी ऑप्शन नीचे पंडिताइन, स्त्रीलिंग बताना है पंडित शब्द का, तो उसका स्त्रीलिंग रूप होगा पंडिताइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट 32, सबकी एक सी दशा है, प्रस्तुत वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति कौन सी है? सबकी एक सी दशा है, यानी कि घर घर मटियाले चूल्हे हैं, इसमें कौन सा मुहावरा फिट होता है? घर घर मटियाले चूल्हे हैं, ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 34 क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना राग्य राघव की रचना नहीं है? तो यहाँ पे जीवन के पहलू राग्य राघव की रचना नहीं है, बाकी तीनों राग्य राघव की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, इसमें कौन सा अलंकार है? पहला अलंकार बताना है, तो अलंकार आपने पढ़े हैं अत्यानुप्रास, अत्यानुप्रास अनुप्रास का एक प्रकार होता है अत्यानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। उसके नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है? तीव्र का उल्टा बताना है, तीव्र का विलोम शब्द क्या होता है? मंद, तीव्र का विलोम शब्द मंद। नेक्स्ट 38, डिब्बा किस शब्द डिब्बे का बहुवचन क्या होगा? डिब्बे, डिब्बा का बहुवचन डिब्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? परिंदे कहानी जो लिखी है वो किसने लिखी है? तो वो निर्मला वर्मा ने, निर्मल वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए, नरक रचयिता आँख पूजनीय, तो इसमें जो गलत लिखा हुआ है वो क्या है? अशुद्ध शब्द रचयिता, रचयिता इसमें गलत लिखा हुआ है। देखिए ये थे हमारे क्वेश्चन, हिंदी के 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जनरल नॉलेज, बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जनरल नॉलेज, इसके भी 40 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक चार चार चालीस क्वेश्चन थे, चार खंड थे, मैथ, जनरल नॉलेज, हिंदी और मूल विधि, ठीक है। तो ये हिंदी के क्वेश्चन थे 40, आपने देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का इसको कवर करेंगे, इसी पेपर को। इसके बाद हमारे पास 31 सेट हैं, इसी तरीके से 31 सेट हुए थे, 17 से लेके 17 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम, उसके बाद कंटिन्यू चले थे 31 दिन तक। तो सभी पेपर्स को हम कराएंगे धीरे धीरे, तो चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तुरंत। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।